यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप रही, ऐसा ही है ना? नाज़ली तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में नाज़ली यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैं जानती हूं, मैं बता नहीं पाई, शुरू से मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की, पर बता नहीं सकी। इसी वजह से तुम मुझसे दूर हो गई थी। वो बात जो तुम नहीं बता पा रही थी वो यही थी, तुमने मुझे सच बताने के बजाय मुझसे भागना बेहतर समझा नाज़ली। मैं सिर्फ आसुमान को बचाना चाहती थी फरीद। आसुमान, आसुमान की वजह से बुलुत की तहवील नहीं पा सका मैं। तुम अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपना भांजा खो दिया। तुम पर भरोसा किया था मैंने, इतना भरोसा कि मैंने आज तक किसी पे नहीं किया। दुख हुआ, बिल्कुल हमें शक हुआ था आसुमान पर, लेकिन इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी, और हमने भी उसे इंटर्न ही रख लिया, मतलब मैंने ही रखा था। लेकिन मुझे भी क्या पता था यार, नाज़ली क्या कह रही है, क्या कह सकती है वो, ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है, नतीजा बहुत बुरा रहा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। फोटो खींचकर दैमित को देने वाली आसुमान है, नाज़ली की गलती नहीं है कोई, क्योंकि उसने तो वैसे नाज़ली इस झूठ में शरीक है ना? एंगे, नाज़ली ने सब कुछ मुझसे छुपाया, क्या ये काफी नहीं है? कोई भी नाज़ली का दिफा ना करे, नाज़ली भी आसुमान की तरह उतनी ही गुनहगार है। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कोई पहली दफा गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ये वाला नहीं देखा था फरीद, ये दिल का जख्म है। देखो आप जिसे चाहते हैं सबसे ज्यादा वही आपको चोट पहुंचाता है। तुम नाज़ली के लिए फीलिंग्स रखते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सब। कैसे हो? खुशामदीद। शुक्रिया, तुमने बुलाया तो मैं चला आया। मैं चलता हूं दोस्त, तुम दोनों भाई आराम से बात करो, चलो खुदा हाफिज, मिलते हैं। मुझे आज एक सबक मिला है। पता है मुझे, ये यूएसबी तुम्हारे पास एक लिफाफे में आई और अंदर फोटोज थी। वो सब तुम्हें मैंने भेजा था,
और वो सब तुम्हारे पास कहां से आए? कहां से आए से मुराद ये है कि ये किसने दी हैं? सही कहा, सोर जाहिर है, यकीनन इसमें दैमित का ही हाथ है। कागजात की तस्वीरें किसने खींची ये छुपाया गया था हमसे। हम जानते हैं कि एक आम आसुमान ने किया था और नाजली ने भी इसे हमसे छुपाया है। लेकिन तुमने मुझे ये फोटोज आज शाम क्यों भेजी? मेरे ख्याल से ये तस्वीरें तुम्हारे पास पहले से थी। मुझे तो खुद ही चंद दिनों पहले पता चला, पर कुछ वक्त से मुझे इस मौजू के हवाले से कुछ हिचकिचाहट थी। लेकिन आज शाम मुझे भेजने का ख्याल आया। आज शाम को ख्याल आया? हाँ, मैंने सोचा इस बात को अपने तक रखना एक हक तलफी होगी। तुम्हें यह जानना जरूरी था। और अब मैं जानता हूं, और तो और यह जानकर मैं बहुत गुस्से में हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ही सुकून से मिल रहे हो मुझसे। जो होना था वो हो गया, मतलब क्या कर सकता हूं मैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आसुमान ने नहायत ही गलत काम किया। अब तुम खुद ही बताओ कि जाकर क्या उस लड़की का गला घोट दें? आसुमान कल जॉब से निकाल दी जाएगी। अच्छा फैसला है। तुमने नाजली के बारे में क्या सोचा? मुझे उस पर गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मुझे लगता है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। माफ कर दो उसे, जैसे मैंने बहुत पहले उसे माफ कर दिया है। वो दरअसल इस मजबूरी में कितना बुरा फंस गई थी मैं समझता हूं। अगर तुमने भी मेरी तरह प्यार किया होता तो तुम माफ कर देते। शराब के लिए शुक्रिया। मेरे पास तुम्हारी एक चीज है। मतलब डेनिस? किसने दी ये मायने नहीं रखता। आसुमान के साथ मिलकर पीठ पीछे चाल चली तुमने। तुम लोग केस इसी की वजह से जीते हो। कंपनी में भी तुम लोगों ने आसुमान को इस्तेमाल किया, मुझे यकीन है। लेकिन अब आसुमान नहीं है, फायर कर दिया है मैंने। मैं पीठ पीछे चाल नहीं चलती फरीद, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पेपर्स ही चेक किए थे और आसुमान को मैंने काम पर नहीं रखा था। और अगर किसी ने चाल चली है तो वो है नाजली। आसुमान ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम नाजली को सजा दोगे? उम्मीद करती हो कि तुम उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दोगे, क्योंकि वो लड़की ठीक नहीं है, सब कुछ साफ साफ सामने आ गया है। मैं क्या करूंगा वो मेरा मामला है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, फिक्र ना करो।
उम्मीद करती हूँ फरीद। रूस से हमारा एक इम्पोर्टेंट सामान आने वाला था जो कि आज आ जाना चाहिए था। कुछ खबर है उसकी? थोड़ी देर पहले आया फरीद सर, हमारे साथी उस पर काम कर रहे हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए, कल सुबह 9 बजे मैं मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब एफिडेविट को पढ़कर आए। ठीक है फरीद सर। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा। और हाँ, कल दोपहर में चंगेज सर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो। कहें इमरजेंसी है, अपने स्केड्यूल से वक्त निकाल लें। हमें उनसे बजट पर डिस्कस करनी है जो कि बहुत जरूरी है। आपने आखिरी बार पिछले हफ्ते ही तो देखा था फरीद सर। फिर से देखना चाहता हूँ मैं। आपसे जितना कहा है उतना ही करें। जी जैसा आप कहें। एंगेन, अच्छा हुआ तो मिल गए। वो हैम्बर्ग वाली ऑर्गेनाइजेशन की तारीख पक्की हुई है क्या? हाँ, वो काम तुम देख रहे थे। वैसे एक बात बताओ, क्या ये इतना जरूरी था? एंगिन, मुझे बहुत काम है, इसके लिए वक्त नहीं है। देखो तुम गुस्सा हो मुझे अच्छी तरह पता है, और अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इसी तरह गुस्सा करता बिल्कुल। लेकिन ये रेस्टोरेंट बंद करने का आइडिया कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा। एंगिन, ये मेरा फैसला है और मैं नहीं चाहता कि कोई सवाल करे। जी कहिए। फरीद साहब, आसुमान मैडम यही हैं, वो नहीं जा रही। आप बताइए मैं क्या कहूं। कुछ नहीं कहें, इग्नोर करें उसे, चली जाएगी। गुड मॉर्निंग। वो अभी तक नहीं गई फरीद साहब। पहले तुम मुझे एक बात बताओ आसुमान। ऐसा क्यों किया तुमने आसुमान? पैसे के लिए। लेकिन इस काम की जितनी रकम मुझे दी गई वो आपके गेस्ट के खाने के बिल से कई ज्यादा कम थे। इतने कम पैसों में बिक गई। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इस काम का अंजाम इतना बुरा होगा। फरीद साहब, मैंने जो कुछ भी किया है उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ऐसा नहीं चाहती थी जो हुआ। आपा ने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुप रहना भी जुर्म है, जानती हो तुम। लेकिन फरीद सर, आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? आप मुझे बताइए कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? चुप नहीं बैठते अपने किसी भाई को या बुलत को बचाने के लिए? देखिए, जब मैं शहर में नई नई आई थी तो अम्मी और बाबा ने मुझे आपा के हवाले कर दिया था। उन पर मेरी वजह से बोझ पड़ गया था बहुत। उनके लिए आसान नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बहुत हो गया फरीद साहब, मेरी आपा ने रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब देख रखा था। अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो उनका ख्वाब टूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहती आपा के साथ ये सब हो। माफ कर दे मेरी आपा को। आप माफ कर लेंगे ना? इस महीने के आखिर में हम दूसरे फेज पर जाने का इरादा कर रहे हैं सर। सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, आप प्लान को फॉलो करते रहें। मौसम की तब्दीली से पहले हमें जरूरी कामों को पूरा करना है। ठीक है सर। तो आज आप मैदान में हैं। कभी कभी ये भी जरूरी है, और ऑफिस के काम से ज्यादा मजेदार है ये। तो ये तुम्हारा स्टेज है? हाँ ऐसा ही है।
लेकिन हम गाना नहीं गाते, काम करते हैं। वाह, प्रोजेक्ट लीडर फरीद साहब, लेकिन तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट बिगड़ गया था, सुना है तुम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हो। हर प्रोजेक्ट में ना दिखने वाले रिस्क होते हैं, ऐसे है जिंदगी, हम कभी कामयाब होते हैं तो कभी नहीं होते। जैसे कि तुम्हारा वो गाना बहुत पसंद नहीं किया गया शायद, पहले तुम्हारे गाने इधर उधर से सुन लिया करता था, लेकिन ये वाला तो गायब ही हो गया बिल्कुल। नहीं, हालात तो मैं छुपा रहा हूं, जब वक्त आएगा तो देख लोगे। आखिर कब आएगा वो वक्त तुम्हारा डैनिस? मैं दोबारा अपनी मौसिकी की आमद का इंतजार कर रहा हूं। रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला हतमी है क्या? अब तुम भी कहोगे कि मैंने गलत किया है। नहीं, तुम्हारा अपना फैसला है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं। रेस्टोरेंट्स के शेयर मुझे भेज दो। पहले बार और अब रेस्टोरेंट, तुम्हारे जैसे एक म्यूजिशियन के लिए क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? असल में ज्यादा जरूरत की चीज यही है, मैं जरा डिसिप्लिन चाहता हूं। सिर्फ यही वजह है क्या? नहीं, असल वजह तो कुछ और है। क्या वजह है? मैं अच्छा पकवान चाहता हूं। नाजली से मेरी अच्छी बनती है, हमारी सोच भी मिलती है, लगता है हम अच्छे पार्टनर बनेंगे। हाँ तो क्या कहते हो, बेचोगे अपना शेयर? हेलो फतोश। हेलो डेनिस, नाजली और आसुमन यहाँ से चले गए हैं, घर एकदम खाली हो गया है, मैं अकेली यहाँ पर रुकी हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ठीक है फतोश, परेशान मत हो तुम। कहाँ के लिए निकले वो लोग? अंताकिया। हाँ ठीक है, अभी कहाँ है पता है तुम्हें? चलो ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है नाजली, आसुमान को लेकर अंताकिया जा रही है। रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, लोगों के सपनों से खेलते हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ मगर तुम्हें क्या पता, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा उसे। आइए मिसेज इकबाल, इस मीटिंग के नोट्स में कुछ कमी है। हाँ, और वो कमी यहाँ है, मेरे पास गलती से आ गया था। क्या चाहिए दमित? कुछ भी नहीं, इकबाल मैम से मीटिंग के नोट के बारे में बात की थी और उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे रूम में आ गई फरीद। वजह? हम दोनों एक ही छत के नीचे काम करते हैं फरीद, और साथ ही बुलुत की केयर भी करते हैं। मैं अब तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ, अब सुलह कर लेते हैं प्लीज। बुलुत की बात करते हैं, आज उसे स्कूल से मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल तुम ला सकते हो, ये तो अच्छा है, और बुलुत भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है आजकल। ग्रेट, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। अच्छे से करना। जो मैंने सुना है वो सच है क्या? क्या सुना है तुमने? मिसेस इकबाल से बात हुई, रेस्टोरेंट को बंद करने से पीछे हट गए, वो वकील से बात कर रही थी। सही सुना है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से है। एंगन, मैं कुछ चीजें तुम्हें क्लियर कर दूं। मैंने रेस्टोरेंट खोलने का हुक्म सिर्फ और सिर्फ उस्मान आमी के लिए दिया है, नाजली को माफ नहीं किया मैंने, उसको माफ करना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा किया।